बहुत सोने आर्टिस्टिक स्केचिंग करवाई गई है, पेंटिंग की थी गई है, बहुत ही सोनी लग रही है, खूबसूरती के नाल बनाई गई है, बहुत सोनी डेकोरेशन की थी गई है। मैम मेरे दादी जी की फुलकारी है, उन्होंने उस टाइम से कटवाई थी, उन्होंने मैरिज टाइम दिया एक खद्दर से कटी हुई है। जी तो लेके कई चीजें सानू नजर आ रही है, तो सड़क मेरे हाथ के बीच है, फुलकारी तो बिना मेला बिल्कुल अधूरा है। मैं पहला भी किया कि मुटियारा ना एक उत्साह होंगे क्योंकि विसाखी आने वाली है, मेला आने वाला है, तो तैयार होके सज भज के मेले जाने का मौका कोई भी नहीं छड़ा जाता, तो अभी भी मेले पहुंचे साफ दिखाने की क्यों जहां मेला लग्या है, मेला भजया हुआ है और कि लोग इंजॉय कर रहे हैं विसाखी मेला। तो बहुत ही खूबसूरती के नाल जो मैं गल करा, बहुत सोहनी डेकोरेशन की गई है, लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग, और कलर्स भी जो भी विसाखी का समा होता ना अभी यूजली देखते कि कलर्स होने चाहिए, स्प्रिंग सीजन इज ऑल अबाउट कलर्स, और स्प्रिंग सीजन के सोने रंग नजर आ रहे हैं, जैसे मुटियारा भी त्यार त्यार होके आई हुई ने, तो देखते कि किदा के स्टॉल्स लगे हुए ने। शुरुआत करते इधरों, तो पहला स्टॉल है जिसे मैंने पुरानी एम्ब्रॉयडरी जी अभी पुराने समय के देखते होंगे पंजाबी लोग बनाते होंगे घर के बीबियां बना दी होंगे अजकल नजर नहीं आ रही, इसके बारे दसो हथों की तो है कि मैम सर हाथ का काम है, इन कसूसी बहुत ही सोहनी लग रही है, कसूती बनाई गई है, पुराने समय बेडशीट यूज किया जाता पर अजकल कितने ना कितने का दौर खत्म हो रहा है, सो वेरी ब्यूटीफुल। सो जब विसाखी की गल होती है ना, सब तो पहले तो फुलकारी का जो जिक्र है ना वो जरूर जहन के आता, और मैं जब इतों क्रॉस कर रही थी फुलकारी मैंने बहुत सोहनी लगी, बट इट इज नॉट अ वेरी नॉर्मल फुलकारी, तो इन्हों तो पूछा कि इन्होंने बहुत छोटे तरीके अपना पहले स्टॉल फोन बूथ फोटो बूथ सेट किया, इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग, इसके बारे दसो। मैम मेरे दादी जी की फुलकारी है, उन्होंने उस टाइम से कटवाई थी, उन्होंने मैरिज टाइम दिया एक खद्दर से कटी हुई है, काफी ओल्ड है, पाकिस्तानी ते इंडिया वाला पुराना मिक्स है, जो अपना लहंगा पंजाब से चढ़ता पंजाब ओ वाले स्टाइल का मिक्सर है, आ पुराने समय के हाथ से कट के जो लेडीज लैके जांदियां सी ब्याह ते अजकल दी जनरेशन दी मैं गल करा ते नॉट इंटरेस्टेड, उन्हां नूं नहीं पता कि फुलकारी की आ खद्दर की आ कि क्यों लेके जांदे सी क्यों हुंदा सी क्यों बनाया जांदा सी, तो तुसी दोनों इंटरेस्ट ले रहे हो अपने ग्रैंड मदर दे सीजन इत्थे लेके आए हो, तो क्योंकि कॉलेज दे विच यूनिवर्सिटी दे विच फेस्ट रखा गया जिहड़ा बच्चा दा हुनर है वो भी दिखाया गया, और बहुत सोहने आर्टिस्टिक स्केचिंग करवाई गई है, पेंटिंग की गई है, छोटे छोटे आर्ट के काम किया गया, एब्सोल्युटली कलरफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल, तो मैनी कंग्रेचुलेशन सर विसाखी ते सारे लख लख बधाई आ। विसाखी होंगी ना विसाखी के क्यों मनाई जाती है विसाखी, ये तो सानू पता है, सानू भी पता होगा, हुण तां मैनूं लगदा है कि नवा साल चढ़ता है साडा, जिहड़ा असल दे विच असीं कहिंदे आ साडा जिहड़ा देसी महीना देसी नवा साल चढ़ता है, और कड़क जिहड़ी है पक्के तैयार हो जाती है, पिंडां दे विच लहरांदी खिलदी हुई नजर आती सुनहरे रंग की, और इन्होंने वो कणक भी रखी हुई है, और कणक जिहड़ी है कहिंदी है कि जदों किसान बीजदा सीगा उन्हूं बोंदा सीगा कटदा सीगा हार्वेस्ट करदा सी बेचण जांदा सी उहदे घर दे विच रोटी जद आंदी सी ना उहदे घर दे खुश हुंदे सी क्योंकि छे महीने दी जिहड़ी मेहनत आ उह फल आई आ, उहदी जिहड़ी कणक आ उह बिक गई है, उस तो उन्होंने कमाई हुई है, और घर के रोटी चलूगी चूल्हा चलूगा, तो तुम इस चीज़ को इस कल्चर को अपने तक भी प्रिजर्व किया, आई एम श्योर तुम अगे भी लेके जाओगे।
विसाखी भी हर किसी को बहुत बहुत बधाइयां और उम्मीद करते अपने घर अपने परिवार के सोहे तरीके विसाखी मना रहे हो। वो एक पैसे पहुंचे हुए थी, बहुत ही सोहना मेला लगा हुआ है जेएनए यूनिवर्सिटी के विच और उसे कुछ इनविटेशन बनाई गई ने जिमें हुंदा सीगा पुराने समय के विच, तो काफी कुछ है मंजी तो लैके इतने कई चीजा सानू नजर आ रही ने। मिट्टी के नाल बनाई गई ने, मिट्टी छोटी जी बाल्टी जी बनाई गई है जिसे पहला यूज किया जाता सीगा और उसे सोना बीजा गया और उसे कनक बीजी गई है। जो कनक को दिखाई गई कि कनक जो खिड़ जाती है खेतों के केहो से ही लगती है बहुत ही खूबसूरती के नाल और उसे घर जब रसोई होंगी जी चूल्हे बनाए जाते थे तो किमें बीबिया घर रोटी पकाई करती सगिया उनका सोटी होया करता बहुत ही छोटे छोटे चीज है। तो ये बैल नजर आ रहा, कुआ नजर आ रहा और उसे मंजी बनाई गई है ये अटैच है। नजारा जरा ना पुराने समय में याद कराता, पुराने पहले घर ऐसा बनाए जाते थे जहाँ देख के कहाँ अभी सोच रहे कि अभी वो समय में एक बार याद कर सके। बड़े बड़े जामन के पेड़ होंगे, पिप्पल के पेड़ होंगे, निम के पेड़ होंगे जिन्हों के थले नमा पै के आराम किया जाता सगा और लोग उस चीज को काफी सुकून के नाल इंजॉय करते थे। तो आ सारी चीजा हाँ सौ रुपये साढ़े तीन सौ जन उन्होंने निकटी काफी ज्यादा कॉमन है जी कनक दिखाई गई है। कनक दिखाई गई है ना सारे मेन चीज जी है क्योंकि विसाखी बनाई जाती है जब कनक पक के तैयार हो जाती है उसकी हार्वेस्ट की जाती है उसके बाद विसाखी मनाई जाती है और ये चीज खास तौर पर दिखाई गई है। पंजाब केहो जिहा हुंदा सी अजकल सानू तस्वीरां च देखण नू मिलदा है पर फिर भी एक तस्वीर किते ना किते सानू याद दिलांदी है कि मुड़ तो सानू इहनां दे नाल वापस जाना चाहीदा है। गाँव मझां जिन्हां तों असीं परहेज करदे हां ओह मंझियां जिन्हां नू दरख्तां दे छां ते थले डाह के जे असीं आराम करीए तां उहदा की आनंद आउंदा है शायद ही असीं समझ पाईए अज दे समें विच। क्योंकि विसाखी है सारी मुठियारा मेरे नाल मेले चार चारों से पहुंचिया हुई ने क्योंकि मेला है दिल कर दो ना विसाखी का मेला है तो दिल कर दो ना कि हाँ जाइए थोड़ी शॉपिंग करे आइए घर दे फिर नाल पैसे भी लेते हैं नए कपड़े लो नए नए कपड़े लो और तो की ने चूड़िया के लिए पहले तो चूड़िया लिखी जिसे ने चूड़िया लेने जानी है क्योंकि विसाखी ने चूड़िया लेना ना बहुत ज्यादा शुभ मनिया जाता है शुभ मनिया जाता ना तो कोई भी गल सू याद हो विसाखी ने थोड़े घर से कुछ कहने साझी करना चाहो कोई भी कोई भी याद नहीं आ रहा विसाखी के मेले से कनक कट दी है तो फिर सारे किसान खुशी मनाते हैं सानू भी बहुत खुशी होंगी है इस गल की थोड़े घर किसी के पेरेंट्स कोई किसानी करता मेरे पापा पहला करते पहले करते थे थोड़ा बहुत नॉलेज हैगी किसानी जी पहले की जाती थी ताइ उन्होंने घर
इस चीज का एक महत्व सीगा कि जब किसानी करके किसान घर नू आंदा है ओ जेड़ा अनाज जेड़ा हुंदा है जेड़े उन्होंने कनक बीजी हुंदी है जदों फल के फूल के सामने आ जांदी है घर दे विच आई भी तां कमाई आंदी उस दे नाल खुशहाली आंदी सी पर इन्हां नू मुटियारां नू मौका मिलदा सी मेले जाके शॉपिंग करन दा क्योंकि कमाई घर दे विच हुंदी सी तो इसे दे नाल ही असीं वी हुण मेले दा दौरा लवांगे ते मेला होर देखदे कि किहो जिहा रंगत दे विच आ रहा सुनहरे रंग दा बहुत सोहणे सोहणे रंग दे सूट पा के आईयां ने कुड़ियां और बहुत सोहणियां लग रहियां ने फुलकारी तां मैं तां कह रही हां कि फुलकारी तो बिना मेला बिल्कुल अधूरा है तो इन्हां दी फुलकारी चान चान ला रही है इस मेले दे विच। देखो जी सारे पीटीसी पंजाबी वेखण वाले सारे मेरे पूरी दुनिया च वसदे भैण भरा उन्हां नूं लख लख ਪਤਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਜਨਾ ਤੇ ਬੁੱਕੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤੀ ਪਈ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਗਿੱਲ ਸਰਜੀਤ ਦੀਆਂ ਆਈ ਜਾ ਪਤਾਕੀ ਡਗਾ ਲਾਇਆ ਢੋਲੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਬੰਨ ਢੋਲੀਆਂ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਠਾਸਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਚੋਪੜਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੰਡੇ ਪੱਬਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਅਣਖੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਤਾਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਅਣਖੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਤਾਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਨ ਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੰਪੇਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਪਾ ਲੈ ਦਾਤੀ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਪਾ ਲੈ ਦਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨੱਚ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਦਾ ਵਧਾਈਆਂ।
ਵਿਸਾਖੀ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿੱਧਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਝੂਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਤ ਕਮਾਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਅਲਵਿਦਾ ਔਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ।